हाय, मैं हूं रजत कपूर और आप देख रहे हैं indiaglitz.com। देखिए, ये जो शुभेंदु रॉय हैं, ये किरदार में अदा कर रहा हूं पिक्चर में। ये शुभेंदु रॉय बहुत ही सच्चे, ईमानदार, निहायत शरीफ एक लेखक हैं, जो कि जिनका मानना है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत ही सच्चे शरीफ इंसान है। और उनका जो दोस्त है वो ये है गगनदीप, जो कि निहायत ही बदमाश आदमी है और हमेशा झूठ बोलता है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं इस बात को लेके कि सच बड़ा है कि झूठ बड़ा है, किसकी महत्ता ज़्यादा है। फिर शुभेंदु रॉय को एक दिन इंटरनेट पे एक लड़की से मुलाकात होती है, बातें शुरू होती हैं और बातचीत में वो अपनी उम्र थोड़ा कम करके बता देते हैं। आधा कर देते हैं, चलिए। तो उसको कहते हैं कि मैं 24 का हूँ। और फिर जो झूठ का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है और अपने झूठ के ताने बाने में वो खुद ही फंस जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो आप देखेंगे पर्दे पर। इस लुक के पीछे सौरभ जी का ही हाथ है, उन्होंने बिठा के बाल मुंडवा दिए। बिल्कुल वो चाहते थे मेरे जैसा एक और लेखक इसमें हो। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया, बोले क्या कर रहे हो आजकल। मैंने कहा मैं ये फलानी पिक्चर शूट कर रहा हूँ। तो बोले ओहो, अच्छा फिर तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्या नहीं हो पाएगा भाई, बताओ क्या नहीं हो पाएगा। कहते नहीं, एक रोल है, मैं सोच रहा था तुम, लेकिन उसके लिए बाल वाल तुम्हें मुंडवाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सौरभ, हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पिक्चर में मैंने विग पहना हुआ था। तो फिर मैं गया सौरभ के पास, फिर उन्होंने कहानी बताई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मंडवा दीजिए बाल। लेकिन एक ये डर था कि बाल फिर वापस नहीं आए तो क्या होगा, कहीं सारी ज़िंदगी ऐसे ही हो गया तो। बट लकीली एज यू कैन सी इट्स ऑल कम बैक। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी एक्टर को नहीं जानता हूँ तो उसके साथ काम करने में कोई मुश्किल होती है। ये बात है कि आप दोस्तों के साथ काम करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हंसते हैं, थोड़ा ज़्यादा मजाक होता है, एक मज़ा थोड़ा ज़्यादा होता है। बट दैट कांट बी अ क्राइटेरिया फॉर मेकिंग अ फिल्म, यू नो। अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो आप ये नहीं कहते कि अच्छा मेरे दोस्त कौन कौन से हैं उनको साइन कर लो। आप कहते हैं कि भाई इस किरदार के लिए सबसे बेहतरीन कलाकार जो भी होगा उसको साइन करिए। जी मंजरी इस फिल्म में, मैं जाने तो या जाने ना में मैंने मंजरी के बाप का रोल किया था, ये मुझे बात अभी ख्याल आई। और इस पिक्चर में उनके साथ रोमांस करने का मौका मिला। बट आई हैड जस्ट वन डेज वर्क इन जाने तो या जाने ना, और ये दोनों पिक्चरें करीब करीब एक ही वक्त पे शूट हुई थी। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जो आपने कुछ काम किया है और वो काम ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी एक फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन वो आप अपने काम का एक पहलू मान के उसको भी मान ले, कबूल कर लेते हैं। पहले आई एम था, अभी छोटा, आजकल ट्विटर का ज़माना है ना, सब चीज़ें छोटी हो गई हैं। वो गला पकड़ने की बहुत कोशिश उन्होंने की है फिल्म के अंदर, एक सीन में गला दबा भी दिया उन्होंने मेरा। काफ़ी रियलिस्टिक सीन था वो, काफ़ी तकलीफ हुई उसकी वजह से, लेकिन रणवीर शोरी थे तो ठीक है। मेरे लिए एज एन एक्टर व्हेन आई एम डूइंग अ फिल्म द लुक ऑफ द कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लाइक टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि एक बार लुक मिल जाती है तो मुझे लगता है कैरेक्टर की चाल ढाल वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाता है उसमें। तो वो क्या पहना है उसने, उसके बाल कैसे हैं, उसकी दाढ़ी है, मूंछ है, ये सब चीज़ों से मुझे किरदार को पकड़ने में बहुत आसानी होती है। एज एन एक्टर दीपा मेहता की फिल्म मिडनाइट चिल्ड्रन है, वो अक्टूबर में आ रही है। एक शरद कटारिया की बहुत अच्छी फिल्म 10 ml लव है, वो भी इस साल में रिलीज़ हो जाएगी। एज ए डायरेक्टर मैंने अपनी नई फिल्म अभी ख़त्म की है, उसका नाम है आँखों देखी। शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म है, वो अगले साल किसी अच्छे वक्त पर रिलीज़ होगी।